Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. I'm Rabia Ahmed and you're watching my new video. In this video, I will tell you that how you can make this cushion. Friends, इसमें तीन layers का बनाया गया है, तीन layers use की गई हैं, pink, green and black. So as जो cushion की length और width होती है, वो मैं आपको बताती चलूँ कि normal जो cushion होता है, वो तकरीबन 15-15 होता है. You need a square of 15 inches length and 15 inches width, but this is about 13 inches. Because I have to make attach the strips around this square. This is a silk fabric of black color and I'm taking it almost about 13 inches. और साथ में 2 inches की strip आ जाएगी. ये 4 strips ले ली है मैंने green color की. Width is about 2.5 meters and length is about according to the size of the cushion. Why it's 2.5? Because 0.5 तो आपका stitching में आ जाएगा. And 2 meter will be added into 13 to make it a 15 inches cushion. So इनको मैं इस तरह side पे stitch करूँगी. बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये. आप कोई भी colors ले सकते हैं और इनको बना सकते हैं. It looks so cute and so creative. So friends, अब मैं इसके बीच में जो मैंने पीस बनाना है वो मैंने इस तरह बॉक्स सा बना देना है. इसकी लेंथ और विड्थ तकरीबन 7 होगी. मैं आपको मेजर करके भी बता देती हूँ. इसको मैंने फोल्ड करके इसको मैंने बीच में स्टिच करना है. इस तरह आपके पास जो है वो ये कुशन जो है वो रेडी हो जाएगा. 7 inches है और यहाँ से भी 7 inches है. So ये आपके पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है. अब आपने करना ये एक और स्क्वायर ले लेना. ये 5x5 है, ठीक है. इसको मैं इसके ऊपर स्टिच करूंगी और फिर हम इसको ब्लैक कपड़े के ऊपर इस तरह लगा के हम इसको इसके बीच में स्टिच कर देंगे. ये आपका तकरीबन 15 इंचेस बन जाएगा, ठीक है. एज यू सी के इनको हमने आपस में स्टिच करना है. अब ये जो फैब्रिक है फ्रेंड्स, ये मैंने बैग बनाने के लिए लिया है. मुझे तकरीबन 15 इंचेस का कपड़ा चाहिए, ठीक है. 15 इंचेस मैंने ले लिया और कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा मैं इसमें ऐड इसलिए करूँगी क्योंकि उसको आप एज हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं, यू नीड एन एक्स्ट्रा फैब्रिक फॉर एटलीस्ट 3 to 4 inches. 4 inches एक्स्ट्रा फैब्रिक यू नीड टू मेक इट अ कुशन लुक. सो आई एम गोइंग टू कट इट लाइक दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेजर इट. इट शुड बी एटलीस्ट 15 to 16 inches. इस तरह हमने इसको साथ रख के स्टिच करना होगा. तो थोड़ा सा मैं इसमें 4 inches ऐड कर देती हूँ और फिर मैं इसको 15 दरमियान में, ये देखें, जस्ट मेजर दैट इट शुड बी 15 inches इंक्लूडिंग 4 inches विच आर अंडर दिस वन फैब्रिक. नाउ दिस इज 15 inches, कट इट एंड दिस इज द बैक एरिया. सो इट्स रेडी. इधर से मैं काट देती हूँ. तकरीबन मेरे पास 15 का आ जाता है. बीच में एक्स्ट्रा जो है वो मैंने 4 ऐड कर दिया. इस तरह फ्रेंड्स आपने ऊपर से इसको जो है देखिए 15 इंचेस का बन गया, ठीक है. और एक्स्ट्रा जो हमारे पास फैब्रिक जो मैंने बीच में ऐड की है वो भी आपको मैं बता देती हूँ, वो तकरीबन 4 inches थी, ठीक है. अब आपने करना ये, दिस इज़ द फ्रंट पोर्शन एंड हाउ यू नीड टू स्टिच इज दैट. सबसे पहले हमने इसके ऊपर जो स्टिच करना है वो ये वाला फैब्रिक करना है, ठीक है. इसके बाद हम इसके ऊपर पिंक फैब्रिक को अटैच कर लेंगे. सो लेट्स सी कि ये हम किस तरह स्टिच करते हैं. आप प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है. पहले हम इसको पिन्स लगा के इसको अपनी जगह पर रख लेते हैं ताकि ये आगे पीछे ना हो जाए और आपकी स्टिचिंग जो है वो नीट हो. Thank you.
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने जो पिंक पोर्शन है उसको भी मैंने पिंस लगा के इस तरह मैंने स्टिच कर दिया है। अब हमारा फ्रंट जो है वो तैयार हो चुका है। नाउ आई विल अटैच द बैक साइड ऑफ द कुशन विद द फ्रंट साइड ऑफ द कुशन। एज यू सी इट लुक सो ब्यूटीफुल एंड यू कैन चूज एनी कलर्स, डिफरेंट कलर विल लुक मोर ब्यूटीफुल। मेरे पास जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स पड़े थे तो मैंने उन्हीं को यूज़ करके आपको एक तरीका बता दिया कि आपने इसको बनाना कैसे। सो इट कैन बी यूज फॉर द फॉर योर बेडरूम, फॉर योर सोफ़ा, एनीथिंग। आप देख सकते हैं एक साइड को मैंने पाइपिंग कर ली, दोनों साइडों की मैंने पाइपिंग कर ली है, ठीक है। नाउ आई ऑलरेडी जस्ट स्टिच द मेन पोर्शंस ऑफ द मेन बॉर्डर ऑफ द बैक साइड। नाउ आई एम गोइंग टू स्टिच इट लाइक दिस। तो आपने धागा चेंज कर लेना है, ब्लैक मैंने कर लिया, जो बैक साइड पे होगा वो आपने यूज़ करना होगा, ठीक है। और इस तरह मैं इसको स्टिच करके इसको फिल कर लूँगी। देख सकते हैं कितना नीट लुक आई है इसकी एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।